सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसको बर्दाश्त है दोस्तों तरक्की आजकल दूसरों की, लोग तो मैयत की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं, सपना हकीकत में बदल जाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। आज का पंचांग 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:29 से 5:02 तक रहेगा। आज का विजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। संतान या व्यक्तिगत संबंधित किसी समस्या को लेकर किसी नजदीकी मित्र से उचित सलाह व मदद प्राप्त होगी। तनाव मुक्त महसूस करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यह संपर्क सूत्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी आपका आर्थिक विकास होगा। जिस भी प्रकार के स्रोत आपको चाहिए वह सभी आसानी से उपलब्ध हैं। फिर भी आप अपनी ऊर्जा और इच्छा शक्ति का ठीक से उपयोग न करने की वजह से पुरानी बातों में अटके हुए महसूस कर सकती हैं। काम से संबंधित मिले हुए अवसर के कारण आपकी कुछ चिंताएं दूर होगी। फिर भी जिस प्रकार की अपेक्षित प्रगति है वह मिलने में वक्त लग सकता है। पार्टनर की भावनाओं का आदर करना सीखें। बीपी से संबंधित समस्या तनाव और डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। सावधानियां, अत्यधिक बोझ आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है। अपने काम को दूसरों के साथ बांटना सीखें तथा धैर्य बनाकर रखें। युवा वर्ग को गलत आदतों व संगति से दूर रखना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का माहौल सुखमय रहेगा तथा सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य भी बना रहेगा। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमियां आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल ली। बात करते हैं करियर की। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिरा सकता है, परंतु आप बुरा न माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको काफी पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है, जिसे आप संजो के रख सकती हैं। बिजनेस में बदलाव संबंधित जो योजनाएं बना रहे हैं उन पर पूरी मेहनत करें, क्योंकि ये बदलाव परिवर्तन आपके बिजनेस को नई दिशा देगा। व्यवसाय के स्तर पर दिशाओं का उचित प्रबंधन रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ समय से काम में काफी व्यस्त हैं, इसीलिए अब की बार कोई नया मिशन शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम कर लें। आप अपनी विचार शक्ति बढ़ाने तथा सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खेलों या
ऐसे ही किसी कार्यकलाप में भाग ले सकती हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह तरोताजा करने के लिए शहर से बाहर घूमने जाएं या संभव ना हो तो शहर में ही कहीं घूम लें। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।